नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आमोद है। मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं ये प्रॉब्लम लेकर के, तो मुझे लगा कि ज़रूरी है कि हम इसके बारे में एक इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाए पेशेंट्स के लिए। तो बैक पेन देखा जाए अगर तो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, यानी कि इसका प्रेवलेंस है रफली 80%। प्रेवलेंस का मतलब हुआ कि अगर हम कोई भी 10 आदमी ले लें तो उसमें से 8 को ये परेशानी कभी ना कभी उनकी ज़िंदगी में परेशान करेगी, इतनी कॉमन है ये प्रॉब्लम। फॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो केसेस हैं बैक पेन के, वो मसल या लिगामेंट या ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, और ये प्रॉब्लम्स अधिकतर लोगों में अपने आप ही कुछ हफ्तों में रिजॉल्व हो जाती हैं। अगर हम बात करें एक्यूट बैक पेन, यानी कि एकदम से उठने वाला जो पीठ का दर्द है, तो लगभग 5% केसेस में ये प्रॉब्लम स्लिप डिस्क की वजह से आती है। तो ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम लोअर बैक में ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है, अगर हम उसको नेक से कंपेयर करें तो। लोअर बैक का इंसिडेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 times ज़्यादा होता है। उसके अलावा आदमियों में 30 से 50 साल के आदमियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, और ज़्यादा उम्र के लोगों में भी एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर, यानी कि उम्र के साथ जो डिस्क में बदलाव आते हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने का चांस है। उसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं तो स्पाइन पे दबाव ज़्यादा पड़ता है और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। अगर आप स्मोक करते हैं यानी कि सिगरेट पीते हैं तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने का चांस है, क्योंकि जो डिस्क का न्यूट्रिशन है वो सफ़र करता है स्मोकिंग की वजह से। उसके अलावा अगर आप गलत तरीके से सामान उठाते हैं, यानी कि अगर आप लिफ्टिंग कोई काम करते हैं और वो आपका तरीका गलत है, आपका पोस्चर गलत है, तो डिस्क पे ज़्यादा दबाव पड़ता है और उसमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। उसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें रिपीटेड मैनुअल लेबर या एक ख़ास तरह का लिफ्टिंग का काम होता है, उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, यानी कि कोई एक्सरसाइजेज नहीं है और डेस्क जॉब है और आपका पोस्चर ठीक नहीं है, तो भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने का चांस है। स्लिप डिस्क के बारे में आगे बात करने से पहले ज़रूरी है कि हम उसकी बनावट, स्पाइन की थोड़ी सी बनावट या एनाटॉमी के बारे में कुछ समझ लें। तो मैं ये आपको एक एनिमेशन वीडियो की मदद से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा एक ह्यूमन मॉडल है, और अगर हम स्किन को हटा दें तो ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क ऐसे दिखता है। स्पाइन के निचले हिस्से में 5 हड्डियाँ होती हैं, और ये मैं आपको एक एक करके हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। हर दो हड्डियों के बीच में पीछे की तरफ जोड़ होते हैं, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो हड्डियों के बीच में जोड़ है, इन दो हड्डियों के बीच में यहाँ पे जोड़ है। और आगे की तरफ अगर हम देखें तो डिस्क होती है, ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, और बीच में ये डिस्क है। ऐसे ही इन दो हड्डियों के बीच में डिस्क यहाँ पे है। नाउ स्पाइन के अंदर बहुत सारी नसें चल रही होती हैं, और ये पीली पीली नसें आप देख सकते हैं, हर दो हड्डियों के बीच में से ये नर्व्स बाहर निकलती हैं। तो अगर एक डिस्क की प्रॉब्लम हो और वो पीछे की तरफ थोड़ी सी खिसके, तो अपने वो इन नर्व्स के ऊपर, इन नसों के ऊपर दबाव डाल सकती है, तो उससे उठने वाला जो दर्द है वो स्पाइन के उस हिस्से में जाएगा जहाँ पे नस जाती है। यहाँ पे डिस्क है, यहाँ से नस निकलती है, और ये डिस्क पीछे की तरफ जाएगी तो नसों पर दबाव डालेगी और वो पाँव की तरफ जा सकता है। तो स्लिप डिस्क एक मिसनॉमर है, यानी कि ये नाम एक गलत सेंसेशन, एक गलत धारणा को इनकरेज करता है, क्योंकि स्लिप डिस्क में डिस्क अपनी जगह से हिलती नहीं है, डिस्क अपनी जगह पे ही रहती है, कहीं वो स्लिप नहीं हो रही है। होता ये है कि डिस्क के अंदर वाला हिस्सा एक जेली की तरह की होता है, और बाहर वाला हिस्सा एक थिक फाइब्रस लेयर होता है, यानी कि वो थोड़ा कठोर होता है। तो अगर बाहर वाले हिस्से में कोई टेयर आ जाए तो ये जो अंदर वाला जेली है ये लीक करके नसों को इरिटेट कर सकता है। कभी कभी बाहर वाला हिस्सा कमज़ोर होने की वजह से वो बल्ज करने लगता है, और उसकी वजह से भी नसों पे दबाव आ सकता है, तो इसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। कभी कभी बाहर वाला हिस्सा बिल्कुल टेयर हो जाए तो जो जेली है या जो बाहर वाला हिस्सा है वो निकल करके ऊपर नीचे की तरफ भी जा सकता है,
तो ये इन सब चीज़ों को एक साथ मिला जुला करके हम स्लिप डिस्क कहते हैं। अगर किसी को स्लिप डिस्क है तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो हमें बोलते हैं कि उनको पीठ में दर्द हो रहा है या पाँव में दर्द हो रहा है या दोनों भी हो सकते हैं, और ये दर्द उनको अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने से रोकता है, यानी कि ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं, ज़्यादा देर लेट नहीं पाते हैं, ज़्यादा देर चल नहीं पाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी है, पर ये सारी एक्टिविटीज़ में विघ्न या बाधा आ सकती है। और उसके अलावा बहुत लोगों के को शियाटिका जैसे सिम्टम्स भी आते हैं। तो अब ये जानना ज़रूरी है कि शियाटिका क्या होता है। अगर एक दर्द पीठ से या बटक से उठ करके पाँव की तरफ जाता है, एक बिजली के झटके की तरह या बर्निंग की तरह या झंझनाहट की तरह, तो उसे हम शियाटिका कहते हैं। शियाटिका एक सिम्टम है, ये भी एक आम भाषा में काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है ये वर्ड। एक और तरीके से मैं आपको समझाऊं तो अगर किसी को पेट का दर्द हो तो वो बहुत कारणों से हो सकता है, जैसे उसे किडनी में पथरी हो सकती है, उसको आंतों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेट का दर्द एक सिम्टम है और जो उनका डायग्नोसिस होगा वो स्टोन होगा किडनी का। ऐसे ही स्लिप डिस्क जो है वो डायग्नोसिस है और उसका जो एक सिम्टम होता है वो होता है शियाटिका, यानी कि पीठ से उठ करके पाँव में जाने वाला दर्द। तो स्लिप डिस्क में और देखा जाता है कि अगर कोई नस इरिटेट हो रही है तो पाँव के अंदर झंझनाहट, सुनपना या कमजोरी भी आ सकती है। उसके अलावा पाँव में या बैक में स्पैजम्स या क्रैम्प्स भी फील हो सकते हैं, और आगे झुकने में लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। ये कॉमनली देखे जाने वाले सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कुछ सीरियस सिम्टम्स होते हैं, यानी कि इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे अगर यूरिन या स्टूल के कंट्रोल में प्रॉब्लम आने लगे या यूरिन या स्टूल पास ना कर पाए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम का एक संकेत या साइन हो सकता है। उसके अलावा अगर आपके पाँव में कमज़ोरी आ रही है और वो बढ़ती जा रही है तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अगर आपके दोनों टांगों के बीच वाले हिस्से में ऊपर की तरफ अगर आपको वहाँ पे झंझनाहट या सुनपना आने लगे तो ये भी एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है और इसको भी बिल्कुल इग्नोर ना करें। कुछ हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, यानी कि इन लोगों को जल्दी मेडिकल प्रोफेशनल से हेल्प लेनी चाहिए या एडवाइस सीक करना चाहिए। इस हाई रिस्क ग्रुप में वो लोग आते हैं जिन्हें पहले कैंसर हो या उन्होंने स्टेरॉइड्स काफ़ी समय तक इस्तेमाल करे हों, या ये अगर ये ऐसा वाला दर्द कोई चोट लगने के बाद शुरू हो, या ऐसे वाले दर्द के साथ अगर आपको बुखार आ रहा हो, तो ये सारे के सारे वार्निंग साइंस हैं। इनको प्लीज़ इग्नोर ना करें और मेडिकल प्रोफेशनल से जितनी जल्दी हो सके आप कंसल्ट करें। तो अब स्लिप डिस्क का डायग्नोसिस बनता कैसे है? बहुत लोग मेरे पास आते हैं अपना एक्सरे लेकर के और बोलते हैं कि हमें तो स्लिप डिस्क नहीं है क्योंकि हमारा एक्सरे नॉर्मल है। तो ये जानना ज़रूरी है कि एक्सरे हड्डियों को देखने के लिए तो अच्छा है, लेकिन वो डिस्क को और नसों को देखने के लिए बिल्कुल भी सही इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये पता चलेगा एक्सरे पे कि एक डिस्क की हाइट है वो कम हो गई है, उससे ज़्यादा नहीं पता चलता है। सही इन्वेस्टिगेशन इस प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए MRI स्कैन है। MRI स्कैन एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है जो कि बहुत सारी हमें चीज़ें डिटेल में दिखाता है, और उन सारी चीज़ों में डिस्क भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ना सिर्फ हम डिस्क देख सकते हैं बल्कि हम ये भी देख सकते हैं कि वो किस किस चीज़ों पे दबाव डाल रही है, किसी नस पे दबाव डाल रही है या नहीं डाल रही है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपका एक MRI स्कैन करा जाए और देखा जाए कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या और वो कितनी सिवियर है। एक और बात ध्यान में रखना ज़रूरी यह है कि MRI स्कैन पे हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट हो। तो MRI की इंटरप्रिटेशन खुद ना करें और जो आपके डॉक्टर हैं उन्हीं को करने दीजिए। इसको मैं एक और तरीके से समझाऊं तो अगर मैं 10 लोगों का MRI स्कैन लूँ तो उसमें से काफ़ी लोगों में प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, लेकिन अगर ये हम 10 के 10 नॉर्मल लोगों की बात हम कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो MRI को हम हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के साथ जोड़ करके इंटरप्रेट करते हैं, और अगर ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ें तभी इनकी सिग्निफिकेंस है। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप अपने डॉक्टर को उसकी रिजल्ट को इंटरप्रेट करने दें,
और जैसा वो आगे एडवाइस करें आप आगे चलिए वैसे। मेरे साथ मेरे पास बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि क्या ये अपने आप ठीक हो सकती है या हमें क्या करना चाहिए अगर हमें स्लिप डिस्क हो जाए। तो ज़रूरी बात यह है कि अधिकतर लोगों में, करीब करीब 90% लोगों में 3 महीने के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो आपको उस समय सिर्फ जो आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं वही करने की ज़रूरत है। और अगर आपके वार्निंग साइंस नहीं हैं और प्रॉब्लम ज़्यादा सिवियर नहीं है तो ऐसा होने के काफ़ी चांस हैं। लेकिन ये दोबारा भी आ सकता है, इसकी रिअकरेंस हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप घर पे बैठ करके खुद इलाज ना करें बल्कि एक प्रोफेशनल की हेल्प लें जो कि आपको सही से डायग्नोस करेगा और आगे का रास्ता बताएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सही लोगों के पास रेफ़र कर सकता है सर्जरी के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए या पेन मैनेजमेंट के लिए। तो ज़रूरी है कि आपके जो डॉक्टर हैं वो इन सब चीज़ों से एक्सपीरियंस्ड हो। अब आगे चले तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्हें स्लिप डिस्क हो गया तो वो या तो ज़िंदगी भर चल नहीं पाएंगे या उनको ज़िंदगी भर प्रॉब्लम रहेगा या उन्हें इसका स्लिप डिस्क का मतलब है कि उन्हें सर्जरी करवानी पड़ेगी। ये सब गलत धारणाएं हैं क्योंकि एक तरफ हमारा कुछ नहीं करना है, दूसरी तरफ सर्जरी है और बीच में एक बहुत सारा एरिया है ट्रीटमेंट का जिसमें हम दवाइयाँ लाते हैं, फिजियोथेरेपी लाते हैं, इंजेक्शन लाते हैं और ज़्यादातर लोग इतने में ही ठीक हो जाते हैं और सर्जरी की तरफ उन्हें नहीं जाना पड़ता है। हाँ, कई लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और अगर आपके डॉक्टर एक्सपीरियंस हैं तो वो आपको सही से गाइड कर पाएंगे कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है या आप उसके बिना ठीक हो सकते हैं। तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, एक और सवाल ये उठता है कि लोग आके पूछते हैं कि क्या हम बिल्कुल बेड रेस्ट पे बैठ जाएं? नहीं, ये भी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, मतलब कि ये नुकसान कर सकता है। आपको अपनी जितनी एक्टिविटी आप मेंटेन कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। हाँ, ज़रूरी आप जब आपका दर्द बहुत ज़्यादा होगा तो हो सकता है आपको कुछ समय के लिए बिल्कुल रेस्ट करना पड़े, लेकिन जितना आप एक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं उतना करने में अच्छा रहेगा। क्योंकि एकदम से बिल्कुल बेड रेस्ट करने से भी मांसपेशियों में कमज़ोरी आती है और इसको हम डीकंडीशनिंग कहते हैं, यानी कि मसल्स को वो एक्टिविटी करने की आदत नहीं रहती है और वो खुद से एक दर्द का स्रोत बन जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बिल्कुल बेड रेस्ट ना हो, जितना ज़रूरी है उतना ही रेस्ट हो और फिज़िकल एक्टिविटी को मेंटेन किया जाए। उसके अलावा आगे चलते हुए फिज़िकल थेरेपी यानी कि कोर मसल्स ये मसल्स होती हैं जो पेट और पीठ के आसपास हैं, इनको स्ट्रॉन्ग रखा जाए, इनके ऊपर एक्सरसाइज करके इनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। जब आपका दर्द एकदम से बड़ा होता है और स्लिप डिस्क हुई होती है उस समय तो आप ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब ठीक हो जाएंगे तो अपना वज़न ठीक करना, स्मोकिंग छोड़ना और कोर मसल्स पे काम करके उन्हें स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। इनको हम एक तरीके का लाइफस्टाइल चेंजेस भी कह सकते हैं। तो ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूरी हैं। एक बहुत देर के लिए एक जगह पे बैठना अवॉइड करना, बीच बीच में रेगुलर ब्रेक्स लेना, हैवी लिफ्टिंग, अगर आपको सामान उठाना पड़ रहा है ज़मीन से और उसको आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कैसे उठाना है, उसको उठाने के लिए आपको घुटने से मुड़ना पड़ेगा, पीठ से नहीं। तो ये सारे तरीके आपके डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं कि आगे चलते हुए आप इसको दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं। उसके अलावा, फिज़िकल थेरेपी के अलावा, हम बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी आते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स आते हैं, एक स्पेशल टाइप की दवाएं आती हैं जिन्हें हम न्यूरोपैथिक पेन किलर्स कहते हैं, यानी कि नसों पे काम करने वाली दवाएं। इन सब का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए हम आपका दर्द कम करने की कोशिश करते हैं जब तक आपकी बॉडी आप हील कर रही हो। उसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी जो ऑप्शन हमारे पास रहता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो काफ़ी उपयोगदायी साबित होता है, वो है इंजेक्शंस का। तो इंजेक्शंस करने के लिए एक्सरे में देखते हुए ये करते हैं और ये डे केयर की तरह किए जाते हैं, यानी कि आप सुबह आते हैं और आप इंजेक्शन करते हैं, आपको एक दो दिन घंटे के लिए हम आपको ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर शाम से पहले पहले हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं अगर सब कुछ ठीक रहे तो। इन इंजेक्शंस का पर्पस ये है कि जहाँ आपके स्पाइन में परेशानी है वहाँ पर दवाई डाली जाए उसके पास में, यानी कि जहाँ डिस्क बल्ज हो रहा है उसके बिल्कुल पास में एक्सरे से देखते हुए दवाई डाली जाए, और ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दवाई जो है उस जगह पे काम करे जहाँ उसकी ज़रूरत है। इन इंजेक्शंस में हम लोकल एनेस्थेटिक्स और स्टेरॉइड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं और ये डिफरेंट नाम से होते हैं, जैसे कि नर्व रूट ब्लॉक हो गया या एपिड्यूरल हो गया, और कभी कभी हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं।
तो इससे फ़ायदा ये है कि ज़्यादा दवाई जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ जा रही है। काफ़ी लोग ओरल स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जब आप ओरल स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उसको लंबे समय तक लेना पड़ता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आते हैं, और उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन जहाँ उसे काम करना है वहाँ जाता है, क्योंकि वो पूरे शरीर में डाइल्यूट होते हैं। तो इसलिए उसको लेने से इफ़ेक्ट कम है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो बेहतर है कि हम इंजेक्शंस की तरफ देखें। और ऐसे मैंने बहुत सारे मरीज़ अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं जिनको इन्होंने काफ़ी फ़ायदा किया है, और कभी कभी हमें रिपीट भी करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी लोगों को ये काफ़ी फ़ायदा पहुँचाते हैं, और बहुत लोगों का आगे प्रोग्रेशन या सर्जरी की तरफ जाने का जो एक पाथ होता है उससे अवॉइड भी किया जा सकता है। बट हाँ, जब सर्जरी की ज़रूरत है, अगर आपको वार्निंग साइंस आ रहे हैं तो वो हाँ तो ज़रूरत है, और उसको करना ज़रूरी है उस समय। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पे removemypain.com पे एक इन्फॉर्मेशन लीफलेट की भी तरह मौजूद है। अगर आप उससे दोबारा पढ़ना चाहें, डिटेल में और पढ़ना चाहें, तो आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के ये देख सकते हैं। मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके काम आएगी। नमस्कार।